देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका थाईलैंड सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में। फिलहाल गाइज मैं हूँ फीफी आइलैंड में, जो कि एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है फॉर हनीमून या एक रात बिताने के लिए, आप समझ गए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे रिसॉर्ट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं कराबी से यहाँ पे आया था फीफी आइलैंड में फेरी में, एंड दिस टाइम हम रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से फुकेत, वो जाएंगे स्पीड बोट में। आपने फेरी की जर्नी देख ली, आप स्पीड बोट की जर्नी भी इस वाले व्लॉग में देखने वाले हैं। एंड फिलहाल मैं जाने वाला हूँ टॉन साई पियर में, ही से जो फेरी या फिर स्पीड बोट्स वगैरह चलती है। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं अंडमान क्रूज मास्टर, ये यहाँ पे एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है जो कि स्पीड बोट्स एंड फेरीज ऑपरेट करती है। फुकेत तक जो मैंने फेयर पे किया दैट इज 800 थाई बाट अराउंड, आप 1800 इंडियन रुपीज मान लीजिए। एंड एक घंटे की जर्नी रहने वाली है, अगर स्पीड बोट से करते तो एक घंटे, अगर फेरी से करते तो नियरली अबाउट 2 आवर्स आपका लग जाता है। अभी फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 2:45। मैं आज सुबह आया यहाँ पे, कुछ खाया हुआ है थोड़ा सा, एंड 2:30 बजे हमारी स्पीड बोट है फुकेत रिटर्न जाने के लिए। चलते हैं पियर में। मैं ये वाला टिकट ऑनलाइन बुक करा के आया था यहाँ तक का था, बट प्लान में ऐसा चेंज हुआ कि मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे को ये टिकट हटा के रिटर्न सेक्टर दे दो, तो उन्होंने फट से एकदम कर दिया। आई अप्रिशिएट दैट कि काफ़ी जो है हेल्प करते हैं। एंड वो सपोर्ट भी उन्होंने कब करा, रात के डेढ़ बजे मैंने उनके चैट में डाला, थोड़ा 10-15 मिनट में उनको मैसेज आ गया, एंड फिर आधे घंटे में जो मेल आ गया कि हाँ आपका हमने टिकट कर दिया रिटर्न सेक्टर में। चलते हैं पियर में। वैसे मैंने सूटकेस अपना किसी कोने में छोड़ के आ गया, वहाँ पे दूर कोने में। यहाँ पे बहुत लोग सूटकेस लेके घूम रहे हैं क्योंकि होटल वगैरह उन्होंने चेकआउट कर दिया, अब किसी की 2-3 बजे फेरी है। या बहुत लोग ऐसे भी है जो आए हैं आज फिफी आइलैंड में और आज ही रिटर्न चले जाएंगे, तो वो भी जो है थोड़ा बहुत सूटकेस लेके ही घूम रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने सनग्लास पहना है, तो बताना ज़रूर कि मेरा नॉर्मल चश्मे वाला लुक अच्छा है कि सनग्लास वाला अच्छा है, ताकि मैं फ्यूचर में अपने वीडियोस में वो इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जहाँ जहाँ दूर दूर तक देखेंगे आपको देखेंगे फॉरेनर्स, एंड इंडियन लोग भी यहाँ पे काफ़ी दिखे मेरे को। व्लॉग मेरा देख रहे हो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आसान नहीं है यहाँ पे रह के वीडियो बनाना, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। अगर मैं ट्रिप की बजट की बात करूँ तो आई थिंक ऑलमोस्ट 60-75,000 INR तक मेरा खर्चा चला गया, जो कि मैं सोच के आया था कि 50,000 में तो चलो हो ही जाएगा, बट नहीं, वीज़ा और फ्लाइट ही 25,000 के, बाकी यहाँ पे घूमने फिरने का आई थिंक 50,000 क्रॉस कर जाएगा। तो गाइज मैं आ तो चुका हूँ टॉनसाई पियर में, बट यहाँ पे मेरे को उनका ऑफिस नहीं दिख रहा जिनसे मैंने टिकट बुक कराया अंडमान वेब मास्टर, क्योंकि मेरा जो टिकट है वो अभी भी PDF है, प्रिंटआउट मैंने नहीं लिया, तो आई थिंक वर्चुअल कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा तभी बोर्ड करने देंगे। एज सेड गाइज इट इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, आप देख रहे हैं जो बाकी स्पीड बोट्स है उनके सब बंदे वहाँ पे लाइन से वेट कर रहे हैं, उनका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, यानी यहाँ पे इनका अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लगेज वगैरह भी उनके बंदे कैरी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। बट प्राइस ऑब्वियसली बाकी उससे ज़्यादा है, दिस इज 800 बाट एंड बाकी जो है कंपनीज उनका प्राइस 600-500 ये सब भी में भी आपको मिल जाएगा। बट लेट्स होप फॉर अ इंटरेस्टिंग राइड, ऐसे नॉर्मल से राइड नहीं चाहिए, कुछ डेडली वेव्स वगैरह आए तभी मज़ा आएगा स्पीड बोट का। अभी बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ये सोच के कि चलो अच्छा राइड हो, लेकिन जब बीच समुंदर में बोट खराब हो जाएगी ना या डेडली वेव्स आएंगे ना, तब जो है ना भरपूर फटेगी। जो भी है उन्होंने बोला है कि 2:15 तक बोट आ जाएगी। वैसे गाइस मेरा ऑनलाइन टिकट था तो यहाँ पे मैं आ गया, अपना फ़ोन में ही जो PDF है वो दिखा दिया उनको, तो उन्होंने एक स्टिकर दे दिया जो यहाँ पे लगाना है, इससे ही जो है आपकी पहचान होगी कि आप हमारी बोट से जा रहे हो। एंड जो बोट में हम ट्रैवल करने वाले दैट इज़ नॉटिका एक्सप्रेस, कैपेसिटी इसकी 45 पर्सन की, इसकी लेंथ है 13 मीटर, इसकी जो वेथ है वो है 3.5 मीटर, इसकी जो स्पीड है क्रूजिंग स्पीड, क्योंकि स्पीड बोट बोल रहे हैं तो इसकी क्रूजिंग स्पीड है 30 knots, 30 knots इज अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो हाँ, आपको लग रहा होगा कि स्पीड बोट बोल रहे हैं लेकिन इतना कम है, नहीं, पानी के हिसाब से ना ये बहुत ज्यादा होता है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड प्रोबेबली टोटल हमारी स्पीड बोट में 3 क्रू मेंबर्स रहेंगे, आई होप कि पैसेंजर्स वगैरह कम हो ताकि अच्छे से जो है शूट कर पाऊँ, क्योंकि फेरी में बहुत जगह है, स्पीड बोट में कम जगह है। एंड सी टाइम इज 2 PM, आई होप कि जस्ट थोड़ी देर में हमारी बोट यहाँ पे आ जाएगी। एंड गाइस बिफोर बोटिंग उन्होंने एक ऐसा टैबलेट दिया, बोला है कि अगर आपको सिकनेस वगैरह हो, क्योंकि बोट हमारी ऊपर नीचे बहुत होगी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके लिए दिया है कि अगर आपको कुछ वॉमिटिंग वगैरह आए तो ये आप ले सको। गाइस आवर राइड इज़ हियर, एंड इसमें एक संडेक टाइप का भी है जिसमें आप मतलब बाहर बैठ के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो, दिस इज अंडमान वेब एक्सप्रेस। तो गाइस अभी 2:45 हो गए एंड वी आर बोटिंग विद अ लिटिल डिले नाउ, तो यहाँ पे एक संडेक है जहाँ पे आप मज़े ले सकते हैं राइड का। थैंक यू। बोट इंटीरियर इज गुड, ऐसे सीट से मतलब एक दूसरे की तरफ फेसिंग, एंड इसमें कुछ अच्छा व्यू नहीं मिलेगा आपको संडेक में, तो आपको बताइए सिर्फ 5 या 6 सीट्स है तो सब पैसेंजर्स उसके मजे नहीं ले पाएंगे। एंड सीट्स इस तरह से, यहाँ पे हमारे जो कैप्टन है वो बैठे हैं।
अंजस्सी गाइस, यहाँ पे होंडा के 250 cc के तीन इंजन थे, दे वर पावरिंग आवर बोट एंड द टाइम इज 3:42। मतलब 50 मिनट की राइड थी सिर्फ। अगर आप आते हो फेरी से, इट इज़ 2 आवर्स, तो आप थ्रिल समझ जाना। हैंड जस्ट सी माई फेस, शक्ल से आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा हवा आ रहा होगा। एंड गाइज, दिस इज़ द रसाडा पियर। एंड यहाँ पे आपको वापस से हर आइलैंड के लिए क्रूज वगैरह मिल जाएगी, सिर्फ कराबी या सिर्फ फिफी आइलैंड नहीं। तो सूटकेस गाइज मैं अपना ले लेता हूँ यहाँ से, एंड देखते हैं अगर कुछ शेयर ऑप्शन मिलता है यहाँ से बस स्टैंड तक जाने का। एंड वैसे मेरा होटल जस्ट बस स्टैंड के सामने ही है, वैसे एक्सेप्ट फॉर पैसेंजर फेरीज, यहाँ से जो कार्गो वाले छोटे छोटे वो भी निकलते हैं। तो सी यहाँ पे मेरे को वापस से कोई शेयर ऑप्शन नहीं दिख रहा, सिर्फ टैक्सी दिख रहे हैं। नहीं यार, टैक्सी नहीं कर सकते, सॉरी। तो गाइज वहाँ पे तो सिर्फ कैब वैब ही था, एंड भगवान ने जो दो चीज़ हमको दी उसी पे मैं चल रहा हूँ, जो कि मेरे पैर। एंड कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे जो बाइक वाले हैं ना, मतलब ओला बाइक का जो सिस्टम है, हाँ, ये 100 baht के नीचे नहीं मानते। वो देखो आके बोलेगा 100 baht फिर से। ओके हाँ, 50 baht। ओके माय फ्रेंड, कीप ऑन। बाय बाय। गलत था मैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। ये भैया मिले मेरे को, नमस्ते नमस्ते करके बोला। मुझे पहले लगा था कि 100 baht ही बोलेंगे, जैसे 50 baht बोला मैंने और बार्गेन नहीं किया। 2 किलोमीटर ही था, लेकिन क्या फ़ायदा यार, इससे मिनिमम कुछ वैल्यू भी नहीं है यहाँ पे। और रास्ते में जो है वो सब बता रहे थे कि इस तरफ बस टर्मिनल 3 है, इस तरफ 1 है, यहाँ पे मेन मार्केट, ये सब बता रहे। तो यार एक टूरिस्ट के हिसाब से ना, अगर ऐसे बंदे मिले तो यार बहुत हेल्पफुल रहता है। कुछ होते हैं और कुछ होते हैं लूटने वाले। कुछ लोगों का मकसद ये होता है कि हाँ ये तो बाहर से आया है, ये हमारी जेब भरने आया है ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पे देखता हूँ कौन सा है हॉस्टल मेरा। तो गाइज ये है हॉस्टल नोमैड, अ हॉस्टल आवर नोमैड कैफे एंड बार। ओके थैंक यू सो मच। तो गाइज फिलहाल मैंने हॉस्टल में चेक इन कर लिया, एंड ऑब्वियसली गेस्ट अगर है तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा। यू हैव अ ब्लैंकेट हियर, एंड यहाँ पे एक लाइट है, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं दो, फिर पिलो टावल ये सब है, एंड फॉर योर लगेज यहाँ पे आपके लिए लॉकर्स है। बाकी इस वाले रूम में जो है टोटल 10 beds है। जितना मैं पे कर रहा हूँ ना गाइज, उसके हिसाब से दिस हॉस्टल इज़ अमेजिंग। इंडिया में भी 500 में इतना अच्छा हॉस्टल नहीं मिला। बट ये दिक्कत है कि जो हेडरूम है ना बेड का, वो कम है। तो कुछ काम वगैरह अगर कोई करना चाहे तो बेड पे बैठ के नहीं कर पाएगा, जैसे मेरे को भी अपना वीडियो एडिट करना है अभी, हालांकि मन तो नहीं है बट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक वॉशरूम टाइप का है, मतलब वॉश बेसिन से, एंड यहाँ पे वॉशरूम है। तो मोर ओवर एवरीथिंग इज़ क्लीन। एंड फुकेत बस स्टैंड टर्मिनल 1 के बहुत नज़दीक है, हॉस्टल के नीचे ही एक अवेलेबल शॉप है अगर आपको कुछ चाहिए तो। बाकी जो फुकेत घूमना है वो हमको कल घूमना है, आज मेरे को करना है वीडियो एडिट और रात को अपलोड करना है। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं रात को 9 तक अपलोड कर दूँ तो इंडिया टाइम शाम 7:30 तक जो है उधर आ जाएगा। लेट मी वर्क टुडे, मैं आपको फुकेत घुमाता हूँ कल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं एंड मैंने अपना हॉस्टल चेकआउट कर दिया है। अब स्कूटी लेके कहीं घूमने जाएंगे। वैसे तो आसपास 4-5 म्यूजियम है, तो उनमें से कोई एक ही म्यूजियम में आपको दिखाऊंगा। एंड हाँ, कल रात को मैं सो गया था एडिट करके, मैं यहाँ पे पास में बर्गर खाने गया था, आके मैं जो है सो गया था, एंड बर्गर वॉज अमेजिंग। नाम दुकान का मैं लिख दूंगा, स्टाफ इतना वेलकमिंग है ना, मेरा दोबारा मन कर रहा है कि आज भी वही जवान, कोशिश करते कि आज वही आपको लेके जाऊँ दोबारा। कुछ 5 loaded burgers ऐसा कुछ नाम है। जैसे ही आप दुकान में एंटर करोगे आपको वेलकमिंग सा फील होगा। तो चलते हैं फिलहाल। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ स्कूटी हायर करने का, क्योंकि उससे घूमना जो है थोड़ा आसान हो जाता है, अनलाइक चियांग माई जहाँ पे बहुत बारिश आ गई थी। एंड गाइस फिलहाल मैंने ले लिया कॉफ़ी, ये है 15 baht की, ये आपको 7-11 स्टोर्स पे मिल जाएगा। बेसिकली रिलायंस या डीमार्ट जैसे छोटे छोटे स्टोर्स हैं, यहाँ पे सब कुछ है, मतलब आपको सब कुछ आइटम मोर और लेस मिल ही जाएगा। तो गर्म पानी रखते हैं लोग और कॉफ़ी का पाउच वगैरह रखते हैं, तो
मैंने बना के एक ले ली। तो मेरा हॉस्टल है उसी के सामने ही जो है, मैंने कल देख लिया था कि बाइक रेंट का शॉप है, मगर प्राइसेस मेरे को नहीं पता थे, तो जाके अभी पूछता हूँ और आपको बताता हूँ। आज अपनी सवारी पैदल ही होने वाली ऐसा लग रहा है। जो स्कूटी का रेंट मैंने पूछा, एक दुकान ने मेरे को बताया कि 250 बाट पर आवर और एक जगह मेरे को बताया कि 300 बाट पर डे। बट अगर आप बाइक लेते तो आपका थोड़ा कम होगा, 200 बाट बोला मेरे को एक दुकान ने। बट द थिंग इज कि यहाँ पे चियंग माई जितना इतना वो फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो तुमको पुलिस पकड़ेगी और वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लास्ट वाले चियंग माई वाले बंदे ने बोला था कि पुलिस कुछ भी पकड़ती है कॉल मी आई विल गिव हिम मनी यू डोंट गिव, ऐसा बोला था। तो चियंग माई वाला बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था एंड यहाँ पे प्राइस वो कम करना ही नहीं चाह रहे 300 बाट। अब बताओ 3 घंटे के लिए मेरे को स्कूटी चाहिए, उसके अगर मैं 800 रुपए दूँ तो यार क्या मतलब बनता है, प्लस मेरे को उसके अंदर फ्यूल डलवानी पड़ेगी। गाइस सी दिस स्ट्रीट इन फुकेट लुक्स सो अमेजिंग। यहाँ पे जो है ये वो बना रहे ज़ेब्रा क्रॉसिंग और इसका अलग ही कलर है। चलो गाड़ियों ने फाइनली जगह दे दी। वैसे यहाँ पे एक 3D म्यूजियम है जिसकी टिकट 500 बाट की है तो वो मैंने स्किप कर दी एंड वापस से एक स्कूटी वाले के पास मैं और गया, उसने भी बोला 300 बाट पर डे, बट द डिपॉजिट जो डिपॉजिट करना है वो करना है 5000 पर डे। मैंने कहा नहीं भाई रहने दे। एंड गाइस क्रिसमस वगैरह आ रहा है तो सबने जो डेकोरेशंस वगैरह कर रखी है अपने दुकान के आस पड़ोस में। तो गाइस फुकेत में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें आपको टुक टुक्स काफी कम मिलेंगी, टैक्सी ज्यादा है, ओला बाइक्स टाइप के ज्यादा है। एंड ये जो गाड़ी है ना ये है यहाँ की शेयर ऑटो, इसमें आप बैठ जाइए शायद 30 भाट या 20 भाट इसमें लगता है आपके बैठने का एंड ये जगह जगह आपको छोड़ देगी, इनके रूट के ऊपर है। गाइस वी आर इन ओल्ड फुकेट टाउन राइट नाउ एंड यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये एक एंशियंट बिल्डिंग है यूरोपियन स्टाइल एंड देख सकते हैं जो पुराने घर होते थे उनके जैसे विंडोज होते हैं। फिर इवन आज के दिन भी इंडिया में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे विंडोज इस टाइप के हैं, कोलकाता में तो मैंने बहुत देखे हैं। एंड गाइज बाकी आप ये पूरा टाउन देख के समझ सकते हैं कि काफ़ी ओल्ड सी है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग के साइड में जो है पेंटिंग वगैरह बनाए हुए हैं, इस साइड भी है। यू कैन एन्जॉय द टाइम लैप्स फॉर नाउ, मैंने लगा दिए यहाँ पे, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस मैं आया हूँ आइसक्रीम खाने एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम शॉप। वन स्कूप है 89 का, 99 का, ये सब है। मैंने प्रीमियम आइसक्रीम लिया तो 99 का है तो प्रोबेबली 230 रुपए का है वन स्कूप है जो कि कोन में सर्व होगा। एंड यहाँ पे सब फ्लेवर्स देखिए, आपको फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे, जैसे आपका पाइनएप्पल फुकेत हो गया, लेमन सॉर्बेट, ब्लू लेमनेड, मतलब समझ आए कि ऐसे फ्लेवर्स है जो आप अक्सर इंडिया में नहीं देखते। एंड आपके पास यहाँ पे कोन के भी ऑप्शन है, चाकोल, ओरिजिनल, रोज, कोकोनट, चॉकलेट, तो इसमें भी आप गेस कर ही सकते हैं मैंने कौन सा वाला लिया है, चॉकलेट। प्लस यहाँ पे आपका प्राइस है, वन स्कूप है 89, टू स्कूप 139, थ्री स्कूप 189, तो मैंने ही लिया वन स्कूप। फिर यहाँ पे यू कैन सी द डेकोरेशन, यहाँ पे जो लोग आए थे यहाँ पे कॉफी शॉप में उनकी फोटो वगैरह लगा हुआ है। प्लस वंस अगेन मेरी क्रिसमस का डेकोरेशन जैसे मैंने आपको बताया। तो आइसक्रीम जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है जो हम यूजुअली खाते हैं इंडिया में, मतलब जो भी क्वालिटी वॉल्स की है इन सब की कोन आती है, डिफरेंट है, चीनी वगैरह कम है थोड़ा एंड इट इज़ होममेड तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इसका, ये मैं बोलूँगा। एंड गाइस फुकेत में काफ़ी सारे बीचेस हैं जो कि फुकेत सिटी से थोड़े से दूर है। टुक टुक अगर आप लेंगे तो 300-400 थाई बाट आपको देना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए एंड ज़्यादातर जो रिसॉर्ट्स है वो भी वहीं पे एकदम सी फेसिंग, तो फुकेत के आसपास कोई बीच नहीं है इसलिए मैं आपको बीच नहीं दिखा पा रहा। तो गाइस वी आर एट द फुकेत म्यूजियम राइट नाउ, अभी तक तो कोई टिकट नहीं लगा बट निकलते टाइम ऐसा ना बोले कि निकालो भाई 1000 बाट निकालो, ऐसा नहीं है। एंड ये जस्ट इस स्ट्रीट के सामने यहाँ पे बहुत फोटोजेनिक एक जगह है जहाँ पे लोग फोटो ले रहे हैं, बस वेट करें कि सिग्नल रेड हो जाए और हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होकर फोटो लें। दिस इज़ अ ओल्ड बिल्डिंग एंड बस यही घूम के देखना है हमको। वुडन थ्रिप काटा चेस्ट, 3 एम्पायर ऑफ द किंग डायनेस्टी। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ही पुरानी ज्वेलरीज है, दिस इज कॉइन पर्स एंड ये कुछ केरोसांग करके है। एंड गाइस ये जो ट्रे देख रहे हैं दिस इज द फ्यूनरल फूड ट्रे, मतलब किसी के फ्यूनरल में ये जो खाना ये सर्व किया जाता है। फुकेट स्ट्यू पॉर्क चाय ताओ कोई स्टीम रेडिश केक पता नहीं कुछ कुछ तो है। एंड सी यहाँ पे सर्व करने का कितना अच्छा तरीका है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सब दे रखा है स्पॉट्स, तो ये बोल रहे हैं कि फुकेत आपको किस तरह से दिखता है ऐसा ही है, तो
तो फुकेत मेरे को दिखता है ना, देखो फुकेत मेरे को दिखता है कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट तो है नहीं इसमें। और एज ग्रुप देखने के लिए यहाँ पे है येलो वाला मेरा, तो येलो वाला एक उठा देता हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबल जो मेरे को लग रहा है आई थिंक इट इज़ दी सी, एंड वही सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो कलर सबसे ज़्यादा है वो आई थिंक ब्लू तो लग रहा है, आई थिंक ब्लू कलर दिख रहा है मेरे को ज़्यादा, येलो कलर दिख रहा है ज़्यादा, एंड ऑरेंज भी नहीं, इतना ऑरेंज नहीं है, आई थिंक ब्लू बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखते हैं ब्लू कौन सा है। ओह आई सी, इट इज़ एज 26 to 40। एंड इन दी एंड कुछ यहाँ पे शोपीस है, टेबल चेयर्स, फिर यहाँ पे फ्लावर वाज एक बहुत बड़ा सारा, एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड सी यहाँ पे मसाज वसाज के रेट जो है थोड़े कम है देन बैंकॉक। आई थिंक 1 hour फुट मसाज इज 250 baht, आई थिंक कम ही है बैंकॉक में, वो 300 है, एंड 1 hour है कि नहीं मुझे नहीं पता बैंकॉक। एंड फिलहाल आई एम एट दिस कैफे, लंच करना है मुझे 5 loaves बर्गर्स एंड कैफे। कल तो बहुत अच्छा सर्विस दिया इन्होंने, अमेजिंग फूड, तो वापस मैं चल के आपको दिखा देता हूँ कि खाना कैसा है, बर्गर का साइज़ कैसा है। बर्गर है 180 baht का, चलते अंदर, भूख बहुत लग रही है। यहाँ पे गाइज मैंने लिया एक चिकन बर्गर का मील, लिया है एक चिकन बर्गर पैटी देख सकते हैं, एकदम सही है, एंड चीज़ डला हुआ है, साथ में फ्रेंच फ्राइज है, और एक ग्लास कोक है, और यहाँ पे तरह तरह के सॉसेज हैं। दिस कॉस्ट जस्ट 200 baht, तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी गुड। मोर ओवर टेस्ट जो है ना ज़बरदस्त है, आप यहाँ पे ट्राई करिए, रिकमेंडेड है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एंड अगर आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर देना कि क्या मैंने सही चीज़ सजेस्ट किया या फिर नहीं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आपका ये वाला ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वाले ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बस जर्नी दिखाऊंगा फुकेत से बैंकॉक की। आप वो सेम बस कंसिडर कर सकते हैं फुकेत आने के लिए। अगर आप नेक्स्ट ब्लॉग नहीं देखते तो ज़िंदगी में आप ये नहीं जान पाएंगे कि बस कितनी ज़्यादा लग्जरी हो सकती है। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।